हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरटीओ ऑफिसर की जॉब के बारे में। अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस एज में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इसमें सैलरी होती है और किस तरीके का काम होता है आरटीओ ऑफिसर का और कौन होते हैं आरटीओ ऑफिसर, तो सभी पे डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर आप कोई एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आपको एक उसकी दिशा में एक अच्छे से कार्य करना होगा। आपको पूरा पता होना चाहिए कि अगर हमें ये जॉब पानी है तो किस तरीके से हमको इसकी पढ़ाई करनी है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, तभी आप अपने गोल को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज डिटेल से बात करेंगे आरटीओ ऑफिसर की जॉब के बारे में। तो दोस्तों मैं हूं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आरटीओ ऑफिसर की जॉब के बारे में। तो दोस्तों आपने काफी टाइम सुना होगा कि आरटीओ ऑफिसर जो है वहां पे सभी, चाहे आपका कोई छोटा वाहन है, बड़ा वाहन है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी कार्य है, कोई भी आपको काम कराना है, तो आपको आरटीओ ऑफिस ही जाना होगा। या हमें किसी भी तरह के, जैसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो भी हमारा आरटीओ ऑफिस में ही बनेगा, चाहे वो लर्निंग है या उसके बाद जो परमानेंट हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, या हैवी कराना, किसी तरह का भी कोई कार्य है तो वो आरटीओ ऑफिस के ही अंडर में आता है। इसके बाद हमारा व्हीकल, हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, चाहे छोटा व्हीकल खरीदें, बाइक खरीदें, कार खरीदें, कोई भी ट्रक बस, कोई भी उससे रिलेटेड अगर हम वाहन खरीदते हैं छोटे से बड़ा, तो उनके जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो सब भी आरटीओ ऑफिस में ही होते हैं। और पोल्यूशन टेस्ट वगैरह, जितने भी पोल्यूशन होते हैं, चाहे छोटा वाहन हो बड़ा वाहन हो, उसका जो भी पोल्यूशन का हमारा बनता है चार्ज वगैरह जो भी लगता है, वो भी सब आरटीओ ऑफिस के अंडर में आता है। या हमें जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं अपने वाहन का, वो भी सब जो है आरटीओ ऑफिस के अंडर में आता है। और कई बार आपने देखा होगा कि काफी टाइम आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं रोड वगैरह, एक्सप्रेस वे वगैरह से, तो वहां पे आरटीओ वगैरह जो चेकिंग करते हैं वाहन वगैरह की, ये सब काम भी जो है आरटीओ ऑफिसर के ही होते हैं। तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो सभी आरटीओ ऑफिस के ही अंडर आते हैं। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आप आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन जो है वो कम्प्लीट कर लिया हो तभी आप आरटीओ ऑफिस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या आपने बीसीए किया है, या आपने कोई भी आपने कुछ भी किया है, आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि एज जो है वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपने अपना 21 ईयर कंप्लीट कर लिया हो उसके बाद आप आरटीओ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 30 ईयर से आपकी एज जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट जो है वो मिलेगी। अब आपका अगर ये सब क्लियर हो जाता है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, एज वगैरह आपकी ठीक है, तो इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या हमें टेस्ट एग्जाम वगैरह जो वो होंगे। पहले यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा होगी और आपका रिटन एग्जाम होगा, ये आप पास कर लेते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट आप कर लेते हैं, फिजिकल वगैरह भी उसी में आएगा, तो वो अगर आप अपना यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं फिजिकल में, जैसे कि ऊंची कूद वगैरह हो गई, रनिंग वगैरह हो गई, ये सब आपको करना होगा। ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इसमें आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपकी तर्क शक्ति वगैरह आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज वगैरह, इस तरीके के मैथ वगैरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। अगर ये सब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो है आरटीओ ऑफिसर के लिए जो हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर हम मान लो इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है, वैसे तो एक बहुत ही अच्छे ओहदे की जॉब है, बहुत ही एक अच्छी जॉब है, अच्छे ऑफिसर की जॉब है, फिर भी एक मन में रहता है कि सैलरी वगैरह जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपकी यहाँ पे 16,000 से लेकर 65,000 तक जो है इसमें सैलरी होती है, सब टोटल सारा कुछ मिला के इस तरीके से इसमें आपकी सैलरी होती है। और बाकी जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इसमें पोस्ट और सैलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया तो आपको इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा आरटीओ ऑफिसर की जॉब के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करके वहां भी आप हमसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं
उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।